नोटबंदी की वजह से देश में कैश की किल्लत हो गई है। 500 और 1000 की नोट बंद होने से करीब 15 लाख करोड़ की करेंसी मार्केट से बाहर हो गई है। इतनी करेंसी के दोबारा छपने में अभी करीब 6 महीने का वक्त और लग सकता है, लेकिन कैश की मांग वैसी की वैसी ही है। लोगों की जरूरतें पहले की तरह ही हैं, इसलिए ये समस्या बनी हुई है। दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में अभी नोटों की सिर्फ 17% जरूरत ही पूरी हो पा रही है। एक अनुमान के मुताबिक पूरे देश में हर दिन औसतन 15 से 20 हजार करोड़ रुपए की नकदी की जरूरत होती है। नोटबंदी के कारण इस जरूरत का बड़ा हिस्सा 18वें दिन भी पूरा नहीं हो पा रहा है। मुंबई में हर दिन करीब 150 करोड़ रुपए के नोटों की जरूरत होती है, लेकिन नोटबंदी के कारण मिल रहे हैं सिर्फ 25 करोड़ रुपए। यानी देश की आर्थिक राजधानी में नोटों की करीब 83% जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। दिल्ली एनसीआर में भी हर रोज 130 करोड़ रुपए की जरूरत के मुकाबले सिर्फ 25 करोड़ रुपए ही मिल रहे हैं। यानी देश की राजधानी में भी कैश की किल्लत 80% से ज्यादा है। जब देश के दो सबसे प्रमुख महानगरों का ये हाल है, तो छोटे शहरों, कस्बों और गाँवों की क्या हालत होगी, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अभी बाजार में नोटों की कमी पूरी होने में 6 महीने का वक्त लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।